हेलो फ्रेंड्स, आज आपके लिए मैं सूजी की एक रेसिपी लेकर आई हूँ जिसको मैंने कढ़ाई में बनाकर आपको बताया है। ये देखिए कितना बढ़िया हमारा स्पॉन्जी केक बनकर रेडी हुआ है। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। फूडिकल रिधिका मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज आपके लिए मैं सूजी की एक रेसिपी लेकर आई हूँ। यहाँ पर मैंने एक कटोरी सूजी ली है, ये हमारी बारीक सूजी है। अगर आपके पास मोटी सूजी हो तो आप मिक्सी जार में डालकर उसको पीस लें। हमने इसको और पीस लिया है, थोड़ा सा डाल देंगे एक बाउल में। एक कटोरी यहाँ पर हमने पीसी हुई चीनी ली है, ये देखिए चीनी का हमने पाउडर बना लिया है मिक्सी जार में डाल के, इसको डाल देंगे हम। मेजरमेंट आप ऐसे लें, जितना आप सूजी लें उतनी हमको चीनी लेना है। और यहाँ पर हमने उतना ही दही लिया है एक कटोरी, ये हमारा फ्रेश दही है। सूजी केक बनाने में आप खट्टा दही का यूज ना करें। हमने यहाँ पर करीब 2 चम्मच मैदा लिए, आधा कटोरी घी लिया है हमने। आप इसकी जगह पर रिफाइंड ऑयल भी यूज कर सकते हैं। अच्छी तरह से चला देंगे हम सभी मिश्रण को, जिससे कि इसमें गुठलियाँ ना पड़े। हल्के हाथों से चला के हमें यह बढ़िया से पेस्ट तैयार कर लेना है इन सभी का। इस तरीके से हम घुमा घुमा के अच्छी तरह से बैटर बना लेंगे सूजी केक बनाने के लिए। सूजी केक बनाने के लिए ना ही हमारा बैटर ज़्यादा गाढ़ा हो ना ही ज़्यादा पतला हो। अभी हम आपको बताएंगे हमें किस तरीके का बैटर चाहिए सूजी केक बनाने में। अभी हमारा बैटर गाढ़ा है, ये देखिए यहाँ पर हमने थोड़ा सा दूध लिया है, उसको डाल देंगे। दूध को अच्छी तरीके से बैटर में मिला देना है। बैटर हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब हम इसको ये देखिए इस तरीके से उठा के देख लें, कुछ इस तरीके का बैटर हमको चाहिए होता है सूजी केक बनाने के लिए। इसमें हम आधा छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर डाल देंगे, आधी छोटी चम्मच से कम सोडा डाल देंगे, मीठा सोडा है खाने वाला, जिससे कि हमारा केक बढ़िया से फूलता है। दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे हम बैटर में। यहाँ पर हमने टूटी फूटी ली है, टूटी फूटी को हम अभी इस बैटर में डालेंगे। डायरेक्ट टूटी फूटी डाल देने से इसमें चिपक जाती है, तो आप टूटी फूटी डायरेक्ट ना डालें। हमने यहाँ पर इस कटोरी में आधा छोटी चम्मच मैदा ली है, हम इसमें डाल देंगे टूटी फूटी, और स्पून की सहायता से अच्छी तरह से टूटी फूटी को हम मैदा में मिक्स कर लेंगे इस तरीके से, जिससे कि हमारी टूटी फूटी बैटर में आपस में चिपकेगी नहीं, ना ही तली में बैठेगी। टूटी फूटी को हमने मैदे में अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम पूरी टूटी फूटी बैटर में डाल देंगे। आप चाहें तो कुछ ड्राई फ्रूट्स और भी ले सकते हैं, बादाम, काजू। टूटी फूटी को अच्छी तरीके से बैटर में मिक्स कर देंगे हल्के हाथों से। ये देखिए हमारी टूटी फूटी मिक्स हो गई है बैटर में। हमने ये वनीला एसेंस लिया है, इसमें 1-2 बूंद डाल देंगे, जिससे कि हमारी सूजी केक का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अगर आपके पास नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप इसकी जगह पर कोई और भी फ्लेवर ले सकते हैं, आपको जो पसंद हो। हम यहाँ पर थोड़ा सा फ्लेवर डाल देंगे वनीला एसेंस का, बहुत थोड़ा सा ही हम डाल रहे हैं, क्योंकि इसकी खुशबू बहुत तेज होती है, तो आप बहुत थोड़ा डालें। अब हम बैटर को रेस्ट करने के लिए रख देंगे करीब 10-15 मिनट के लिए। आप आधा घंटा के लिए भी छोड़ सकते हैं। जितने अच्छे से हमारा बैटर सेट हो जाएगा हमारा केक उतना ही अच्छा बनेगा। यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके का बर्तन लिया है, इसमें हम आपको केक बनाकर बताएंगे। अगर हम इसमें डायरेक्ट बैटर डाल देंगे तो हमारा बैटर चिपक जाएगा। ये हमने यहाँ पर बटर पेपर लिया है। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप इस तरह का प्लेन पेपर ले लें, और इस पर हम घी लगा देंगे, ऑयल कुछ भी लगा दें, जिससे हमारा बटर पेपर बनकर रेडी हो जाएगा। आपको हम बटर पेपर बनाकर बता रहे हैं। यहाँ पर हमने घी लिया है एक कटोरी में, ब्रश की सहायता से पूरे पेपर पर हम घी लगा देंगे। पूरे पेपर में हमने घी लगा दिया है, ये देखिए हमारा बटर पेपर बनकर रेडी है। आप प्लेन पेपर का ही यूज करें, कटोरी की साइज का काट लेंगे कैंची की सहायता से। हमने बटर पेपर काट लिया है, अब हम इसमें घी लगा देंगे नीचे अच्छी तरह से किनारियों पर। अगर आपको बटर पेपर यूज ना करना हो तो आप इसकी जगह पर मैदे का यूज कर सकते हैं। नीचे तली में घी लगा के ऊपर से हल्की मैदा छिड़क दें, जो एक्स्ट्रा मैदा है उसको अलग कर दें, फिर इसके बाद बैटर डालें। हमारा बैटर नहीं चिपकेगा, लेकिन मैं बटर पेपर यूज करना ज़्यादा ठीक मानती हूँ, जिससे एकदम हमारा केक परफेक्ट बनता है, बिल्कुल नीचे लगता नहीं है। अब हम इसमें बटर पेपर बिछा देंगे कटोरी में नीचे। हमारा बैटर सेट हो गया अच्छी तरह से, हमने इसको 15 मिनट के लिए छोड़ दिया था। ये देखिए कुछ इस तरीके का बैटर हमारा बना है। बैटर हमारा पतला था, लेकिन
सूजी हमारी फूल गई है अच्छी तरह से, तो थोड़ा थिक सा लग रहा, लेकिन इसी तरीके का बैटर हमें चाहिए होता सूजी केक बनाने के लिए। अब हम इसको टिन में डाल देंगे पूरे बैटर को। अब हम हाथों से थोड़ा इस तरीके से सेट कर लेंगे ताकि बैटर हमारा एक जैसा पूरी तली में फैल जाए। ये देखिए, अब हम आपको केक बनाकर बताएंगे। कढ़ाई में हमने कढ़ाई को गैस पर रख दिया है, इसमें ना ही हम पानी का यूज करेंगे ना ही नमक का। आपको हम आज ऐसे ही केक बनाकर बताएंगे। आप इसकी जगह पर कुकर ले सकते हैं, कुकर की सीटी निकाल लें आप और उसमें टिन को रख कर यूज करें। लेकिन मैं आपको आज कढ़ाई में केक बनाकर बताने वाली हूँ। बहुत ही स्पॉन्जी बढ़िया केक हमारा बनेगा। कढ़ाई हमारी हीट हो गई है, कुछ इस तरीके का स्टैंड ले लें आप। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप एक कटोरी रख दें, उसके ऊपर टिन रखें। मैं यहाँ पर इस स्टैंड का यूज कर रही हूँ। अब हम इसमें टिन रख देंगे अपने केक का और ढक देंगे कढ़ाई को। 10 मिनट हो गया है, अब हम आपको चेक करके दिखा रहे हैं। ये देखिए हमारा केक कितना बढ़िया से बेक हुआ है, किनारियों किनारियों पर जला भी नहीं है, और जो हमने ये टूटी फूटी डाली थी वो भी नीचे तली में नहीं बैठी है, हमने थोड़ी सी टूटी फूटी और ऊपर से डाल दी है। ये देखिए गैस का फ्लेम एकदम लो रखेंगे। अगर आपने गैस का फ्लेम हाई रखा तो हमारा केक कच्चा रह जाएगा, अच्छे से बेक नहीं होगा। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि गैस का फ्लेम एकदम लो रखें, जिससे कि हमारा केक बढ़िया से बनेगा। ये देखिए हम आपको चेक करके अभी दिखा रहे हैं, 10 मिनट हुआ है, अभी बैटर हल्का हल्का चिपक रहा है। अभी हम इसको ज्यादा चेक नहीं करेंगे, इसको फिर से ढक देंगे 10 मिनट के लिए। हमारा सूजी केक 20 से 25 मिनट में बनकर रेडी हो जाता। अभी हम इसको ढक देंगे फिर से। 10 मिनट और हो गया है, ये देखिए कितना बढ़िया हमारा केक बना है। ये देखिए हमारा केक अच्छी तरीके से बेक हो गया है, हम आपको चेक करके दिखा रहे हैं इस तरीके से। ये देखो बैटर बिल्कुल भी नहीं हमारी लकड़ी में चिपक रहा है, हमारा केक बनकर रेडी है। चाकू में भी हमारा बैटर बिल्कुल नहीं चिपक रहा है, हमारा केक बनकर रेडी है। किनारों किनारों पर किसी किसी का केक बहुत ज़्यादा जल जाता है, हमारा केक बिल्कुल भी नहीं जला है। कितना बढ़िया स्पॉन्जी केक बनकर रेडी हुआ है। मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये देखिए कितना बढ़िया हमारा स्पॉन्जी केक बना है। जब हमारा केक ठंडा हो जाएगा तब हम इसको टिन से बाहर निकालेंगे। अभी हम इसको खुला करके ऐसे ही छोड़ देंगे करीब 10 मिनट के लिए। फिर इसके बाद हम एक प्लेट में इसको आपको निकाल कर दिखाएंगे। सूजी केक खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, घर में बच्चों को बहुत पसंद आता है, आप बनाकर जरूर ट्राई करें। ये देखिए हमारा केक ठंडा हो गया है, अब हम आपको निकाल कर दिखाएंगे कितना बढ़िया स्पॉन्जी केक हमारा बनके रेडी हुआ है। चाकू की सहायता से किनारों किनारों से हम थोड़ा सा इस तरीके से निकाल लेंगे, कहीं चिपका तो नहीं हमारा केक। इस प्लेट में हम पलट देंगे टिन को। ये देखिए कितनी आसानी से हमारा केक निकल आया है, हमने नीचे इसमें बटर पेपर लगा दिया था, बटर पेपर हम निकाल देंगे। ये देखिए बिल्कुल भी हमारा केक चिपका नहीं है, कितना बढ़िया हमारा केक नीचे से सिका है, एकदम स्पॉन्जी केक बना है, देखने में कितना बढ़िया लग रहा है। अभी हम आपको काट के भी दिखाएंगे। मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये देखिए हम आपको काट कर दिखा रहे हैं, हल्के हाथों से काटें केक। हमारा केक थोड़ा पतला है इसलिए टूटने का डर है, इसलिए हम इसको हल्के हल्के हाथों से आपको काट कर दिखा रहे हैं। कितना स्पॉन्जी हमारा केक बनकर रेडी हुआ है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आपका जब भी मन करें आप केक ज़रूर बनाएं, सूजी केक बनकर बहुत ही जल्दी तैयार हो जाता है। ये देखिए कितना बढ़िया स्पॉन्जी हमारा केक बना है। ये देखिए इस तरीके से हम आपको चेक करके दिखा दे रहे हैं, खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा सूजी केक, आप बनाकर ज़रूर ट्राई करें।